ये नगर हुआ था, उसके बाद में लोग दफन हुए यहाँ पे। तो बाद में ये चर्च की जगह थी, लेकिन चर्च ने बाद में ये जगह जो है पार्क को दे दी, पौधे को दे दी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। चर्च के पास इतना नहीं पैसा होगा, पढ़ने में 19 साल पाए उनको दे दिया। उसके बाद में मेंटेनेंस आप उसकी देख ले, बिल्कुल जीरो कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो पहले हालात थे उससे बदतर हालात हो गए। जब चर्च के पास थी शायद जगह इसी ठीक थी, या मेंटेनेंस भी थी, या छोटी गाड़ी था, या मकान था अंदर रहने के लिए, संभाल भी थी। उसके बाद ये संभाल खत्म हो गई, संभाल खत्म हो गया। देख लीजिए किसी भी जगह पे लाइट नहीं है, किसी भी फोन पर लाइट नहीं है। शाम के वक्त जो है यहाँ अंधेरा है, बिल्कुल धूप इतना अंधेरा है कि यहाँ आने जाने वाला बच्चा कौन आएगा, फैमिली कौन सी आएगी, बच्चे नहीं आ सकते, फैमिली नहीं आ सकती। ये झूले झूले लगे हुए हैं, लेकिन वो झूले झूले है कौन, जब कोई है ही नहीं आएगा। झूले भी नहीं है और इनफैक्ट जो सीटें हैं वो सड़क देख लें आप, बस यहाँ क्रांतिमान पार्क का नाम दे दिया, वो एक रैली जरूर जाती है। यहाँ वो आ जाते हैं पार्टी आ जाते हैं यहाँ पर अपने जल से यूज करने के लिए, अदरवाइज कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब देख लीजिए घास नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई फूल नहीं। और बाकी दो पार्क यहाँ कौन है, कौन सी है? शाम के टाइम यहाँ पे बस वही आवारा टाइप के लोग हैं, क्योंकि अंधेरे में यहाँ कौन आएगा, शरीफ आदमी को आएगा नहीं, कौन आएगा? फिर आवारा टाइप के लोग आएंगे, जो जुआ खेलने वाले आएंगे वो आएंगे, ये शराबी नहीं कल के हरकतों वाले आदमी आएंगे। कोई कंप्लेन नहीं करता है यहाँ के बारे में, खराब है कंप्लेन क्या आज ही देखिए ना, कंप्लेन कर रहे आई ऑफिस बिल्कुल साथ में, इधर रेस्ट हाउस बिल्कुल साथ में, जो आएंगे ये आएंगे बिल्कुल साथ में। तो ये तो बिल्कुल मेन जगह है यहाँ, तो जिस मिनिस्टर ने आना है, जिस लीडर ने आना है, इसी रोड से गुजरना। तो जो स्वाभाविक है, जब दो पार्क यहाँ के दूर दूर है, एक वो मधुबन पार्क है, एक टाउन पार्क है। आप उसकी पोजीशन देखिए कितनी अच्छी सुंदर बने हुए, जिंदर ने पार्क बनाए हिसार के अंदर, देखिए कितने सुंदर है। तो ये पार्क की पोजीशन खराब थी, एक ही पार्क है आसपास के भी बच्चों के लिए, और वो पार्क की पोजीशन है। तो आप कोई ना कोई या तो रीज़न है, नहीं चाहती गवर्नमेंट, या नहीं चाहती तो मैं कहता हूँ चर्च की ज़मीन है, चर्च को वापस करो भाई। आप मेंटेन नहीं कर सकते, चर्च से ली थी जगह, साइड चर्च सामने, चर्च से ज़मीन ली, चर्च को वापस कर दो भाई। हम नहीं मेंटेन करते, चर्च अपना संभाल लेगा, हमारी प्रॉपर्टी का है ना। आपको चर्च में इसी भी आपने दी थी, मेरी जाकर नॉलेज में इसी भी आपने दी थी कि ये पार्क बना दिया, पार्क है इसको पार्क ही रखा है। डॉक्टर पी एम वर्गी से बात करते थे उस टाइम, उन्होंने इसको जगह दिया था। तो डॉक्टर साहब ने जब दी थी कभी से डेट भी दी थी, डॉक्टर उस टाइम वर्मा साहब जो थे वो अब वो नहीं हमारे बीच में, जी आर डी सी हुआ करते थे, तो उनका नहीं डेट होगी उनकी, लेकिन उनके टाइम भी जमीन दी थी उनको, और इसी भी आपने दी थी। जब हमें चर्च में बताया गया था जमीन इस देश को दी गई है, कि ये चर्च की जो जमीन है ये पार्क है, पार्क ही रहेगा, पार्क रहेगा तो सुंदर पार्क बनाया जाएगा। पार्क सुंदर है नहीं, आपको दे रही है आप, मुझे आप बता दीजिए, आपको एक ही लेडीज हो बच्चा हो कोई लड़की बता दीजिए, एक ही पार्क में घूमिए, और पार्क में जाइए आपको बच्चे मिलेंगे, फैमिली मिलेंगी, सब घूमते मिलेंगे, कोई नहीं।